हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिक्स लेसन का कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? पेज नंबर 5। अभी आप पहले क्या पढ़ रहे थे? इसमें दो दोस्तों की कहानी, मेकिंग फ्रेंड्स वाले। अब उसके हम आगे पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ? फिर से वो लोग कहाँ पे मिले? रोड में, ट्रैफिक लाइट के पास। और वो जैसे ही पेपर वाला बच्चा था, वो दौड़ कर गया साइकिल वाले के पास। भैया, आपका पेपर। उसने क्या हुआ, आपका अखबार। उसको अखबार बताया, दे दिया। अब उसने ये पूछने लगा कि बताइए अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि उसके पहले उसने सब्जेक्ट पूछा था पर ग्रीन लाइट चल गई थी तो वो चला गया था। अब उसके बाद तो उसने सब्जेक्ट क्या है, वर्ड साउंड उसके मुँह से, जो साइकिल वाला बच्चा था उसको सब्जेक्ट शब्द सुनकर बहुत अजीब सा लगा। साउंड किया उसने बहुत अच्छा सा, इंग्लिश टू बी रूल। तो क्या हुआ, ओ इट्स जस्ट समथिंग, उसने बोला कि है ना, वो एक तरह का शब्द है। और इतने में क्या हुआ, रेड लाइट जल गई। अब क्या हुआ, आज उसने पूछा कि क्या तुम स्कूल गए हो? तो उसने बहुत घमंड से या बहुत प्राउडली बोला, पेपर वाला बच्चा था, कि नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। फिर क्या हुआ, वो उसने क्या साइकिल सीट को अपने आप को ऊंचा करते हुए और बताते हुए कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। उसको घमंड, कोई उसको शर्म नहीं लग रही थी कि मैं स्कूल नहीं गया। अब उसने वो पूछा पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ है? तो जो साइकिल वाला बच्चा था उसने पूछा तुम्हारी मदर कहाँ है? तो उसने बोला कि मैं पहले जब छोटा था तो मेरी माँ भी मेरे साथ काम करने आती थी, पर अब जब से मैं बड़ा हो गया हूँ तो वो नहीं आती, मैं अकेले ही करता हूँ काम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो पीछे मुड़ा और उसने ये बताया, जोर से चिल्लाया कि मेरी माँ कहाँ पे है, मेरठ में। इतने उसे सिर्फ इतना ही सुनाई दे पाया कि मेरी माँ मेरठ में है। बाकी क्या हुआ, इतने ट्रैफिक लाइट या गाड़ियों की आवाज़ से वो सुन नहीं पाया। फिर क्या हुआ, नेज़े माय नेम इज समीर, जैसे ही वो नेज़े मिला और उसने बताया कि मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए उसने कहा कि, और उसने पूछा कि और तुम्हारा क्या नाम है? तो जो साइकिल वाला बच्चा था उसने जब सुना कि इसका नाम समीर है तो उसने भी कहा कि मेरा नाम भी समीर है, लेकिन मेरा नाम समीर किसका है? मेरे फादर ने मेरा नाम हनुमान के पिताजी के ऊपर रखा, क्योंकि हनुमान जी के पिताजी का नाम समीर था, उस पर मेरा नाम है। तो फिर उसने बोला कि चलिए अब हम हाथ मिलाते हैं। दोनों हाथ मिलाने लगे। अब उसने बोला कि दोनों के नाम समीर है तो हम कैसे करेंगे? तो मैं समीर एक हो जाता हूँ और तुम समीर दो हो जाओ, हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे समीर एक एंड समीर दो। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे क्या हुआ, यूजली जब वो आया उससे मिला तो उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं थी जो रोज़ रहती थी। वो रोज़ बहुत खुश रहता था पर आज नहीं था। उसने बताया कि मेरठ में जहाँ उसकी मदर रहती है वहाँ पे क्या हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या दंगे हो रहे हैं, कॉमनली मतलब जो छोटे छोटे, मेरठ में क्या हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, कैसे, जैसे हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं या और दूसरी कास्ट के, उस तरह के। तो इसलिए वो क्या सुनकर बहुत दुखी था, क्योंकि उसका पूरा परिवार कहाँ था, मेरठ में था, है ना। और वहाँ के जो सोल्डर थे, लड़ाई वड़ाई में बहुत लोग मारे भी जा रहे थे, इसलिए उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी। और इतना बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू बहने लगे। और ही वॉज नॉट ऑल क्रॉसिंग डे आफ्टर, उसने क्या करा, रोड को क्रॉस कर लिया और दोबारा कभी नहीं आया। एंड द न्यूज़पेपर, ना उसको इंग्लिश पेपर मिला और ना हिंदी पेपर। वो साइकिल वाला बच्चा था जो वो समीर दो है, वो ढूंढता रह गया कि समीर दो आखिर कहाँ चला गया। अब दिया है ये ब्लू वाले ब्रैकेट में क्या दिया है, नेम थ्री वेज इन समीर। अब तुमको ये बताना है कि समीर एक एंड समीर दो में क्या डिफरेंस है। समीर एक के बारे में जैसे बताओगे कि वो इंग्लिश और हिंदी जानता था, और समीर दो क्या था, वो हिंदी अच्छे से नहीं जानता था, और समीर एक क्या अच्छा था, पैसे वाला, और समीर दो था वो गरीब था। ये तुमको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंट है। अब ये समीर दो हैं जो दोनों में क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। नीचे दिए पढ़, अब इसमें दिया समीर एक एंड समीर दो क्या रहते हैं, किससे संबंध रखते हैं, वो दोनों अलग अलग धर्मों से संबंध रखते, कैसे, एक हिंदू था और एक मुसलमान था, है ना। और पर ऐसा नहीं है कि हम दो धर्म के अलग हैं तो हमारी दोस्ती, पर तब भी उन दोनों में दोस्ती हुई क्या, मुस्लिम और हिंदू रिलीजन थे उसके बाद भी, पर उनका कल्चर भी क्या था, अलग अलग कल्चर भी था और अलग अलग धर्म था, फिर भी दोनों के बीच में दोस्ती हुई। यही हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी एक्सप्रेशन। अब हम इसके बाद का पेज नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। टेक केयर।